बाहर जब भी लगेगा तो बहुत लोगों ने पूछा काफ़ी मस्त लग रही है उसको लगाने के बाद। ये दो स्क्रू से फिटेड होता है, पहले मैं दिखा देता हूँ कैसे इसको लगाना है। एंड ये जो मैंने लगाया है ये क्लच एंड ब्रेक प्रोटेक्टर, तो ये मडगार्ड एक्सटेंडर, ये भी मैंने तो गाइस ये है वो टैंक कवर जिसके बारे में बहुत लोगों ने मुझसे यूट्यूब शॉर्ट्स के कमेंट में और बाहर जब भी लेके जाता तो बहुत लोगों ने पूछा, काफ़ी मस्त लग रही है उसको लगाने के बाद, बहुत ह्यूज लग रही है इसको लगाने के बाद। एंड आप पहले मैं आपको बता देता हूँ इसको लगाना कैसे है। पहले अच्छे से इसको साफ कर लीजिए अपनी टैंकी को माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। एंड आप देख सकते हैं इसमें रेड रेड कलर का टेप लगा हुआ है, इसको पहले निकालना है एंड उसके बाद अच्छे से आपको स्टिक कर देना है। एक बार ये लग गया तो फिर नहीं निकलने वाला, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये, मेरे को 1600 में पड़ा है और अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं तो विद इन 7 days आपको ये पहुंच जाएगा। और आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी ह्यूज लग रही है इसकी टैंक, ऑलरेडी ये काफ़ी ह्यूज बाइक है, इसको लगाने के बाद और ह्यूज लग रही है, एक स्पोर्ट्स बाइक और एक इसका आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं इसमें मैंने मोबाइल होल्डर भी लगा रखा है जो लोकली मार्केट में अवेलेबल हो सकता है। एंड ये मुझे 250 में पड़ा है। एंड ये है टैंक पैड जो कि काफ़ी ज़रूरी है, आई थिंक काफ़ी अच्छी ग्रिप देता है ये टैंक में थाइस को, एंड टैंक को कवर भी करता है अगर आपने नी गार्ड वगैरह पहन रखा है तो ये टैंक को सेफ करता है, उससे स्क्रैचेस वगैरह ना लगे। एंड जिसको ढूंढने में कोई सबसे ज़्यादा टाइम लगा है वो है ये इसका पीछे का ग्रैब रेल। आप सब देख सकते हैं इसमें पीछे दो होल दिए जिसमें से आप बैक रेस्ट भी लगा सकते हैं रिमूवेबल, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये मैंने ऑटो पापा से ऑर्डर किया, ऑटो पापा में इनका इंस्टाग्राम में पेज है ऑटो पापा नाम से। ये दो स्क्रू से फिटेड होता है, पहले मैं दिखा देता हूँ कैसे इसको लगाना है। आप लोकली मैकेनिक से भी लगा सकते हैं या फिर होंडा बिग विंग के शोरूम से भी लगा सकते हैं, 100 रुपये चार्जेस लगेंगे आपके ज़्यादा से ज़्यादा। एंड ये है इनकी व्हाट्सएप नंबर एंड फास्ट डिलीवरी का भी ऑप्शन है। ये अराउंड मेरे को 1164 रुपीस का पड़ा है, बट क्वालिटी वाइज ये वर्थ इट है। एक बार अच्छे से फिट हो गया तो काफ़ी अच्छा, फिर ये हिलने वाला नहीं है, काफ़ी अच्छे मेटल का बना हुआ है, हैवी मेटल का। एंड ये जो मैंने लगाया है ये क्लच एंड ब्रेक प्रोटेक्टर, नॉर्मली हम लोग पार्किंग में खड़ी करते हैं दूसरी बाइकों के हैंडल लगते हैं क्लच में एंड ब्रेक में, जिससे हमारी बाइक का क्लच लीवर टूटने का डर रहता है, तो इससे वो सब प्रोटेक्ट करता है। बाई चांस अगर बाइक फॉल होती है तब भी ये उससे प्रोटेक्ट करता है। एंड ये जो वाइज़र है ये मुझे कंपनी से ही मिला है 1900 something rupees का, 2000 ऑल अराउंड आप पकड़ लो, और आफ्टर मार्केट भी मिलता है फ्लिपकार्ट और ये सब जगह में, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं आपको अगर अच्छे प्राइस में मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो क्लच एंड लीवर प्रोटेक्टर है उससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है बाइक का, ऐसे क्लॉज जैसा लुक आ रहा है सामने से, जो कि काफ़ी अटेंशन ग्रैब करता है लोगों का। एंड मैंने इसका मडगार्ड का काफ़ी कीचड़ उड़ने का प्रॉब्लम है, तो ये मडगार्ड एक्सटेंडर ये भी मैंने होंडा सीबी बिग विंग से मंगाया, ये हाइनेस के लिए आता है बट इसमें भी फिट हो जाता है आराम से, 2 स्क्रू है आराम से, ये आपको 250 रुपीज़ में पड़ेगा। एंड ये जो एक्सेसरीज़ में कंपनी में आता है ये वो साइड गार्ड है, कोई एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। एंड ये मैंने लगेज वगैरह टायर में ना जाए और पैर थाइस, क्योंकि काफ़ी ओपन एरिया है इसमें, उसके लिए ये सपोर्ट के लिए लगा रखा है, लगेज बांधने के भी काम आ सकता है ये। एंड मैंने ये लगाया तो मैंने साड़ी गार्ड हटा दिया क्योंकि मेरे को उसकी कोई नीड नहीं लगी, उसमें कोई पैर रखने की जगह भी नहीं थी। ये मुझे अराउंड पड़ा है, ये भी 1500-1600 का कंपनी से ही मिल जाएगा आपको, होंडा बिग विंग से वहाँ अगर पूछेंगे। एंड ये मैंने इंजन गार्ड के लिए एक्स्ट्रा ये लगा रखा है, ये भी हाइनेस के लिए आता है, बट CB350 के लिए भी, CB350 RS में भी आपको ये मिल जाएगा, ये भी 500 रुपीज़ का मुझे होंडा बिग विंग से ही अवेलेबल हुआ है।
टोटल कॉस्ट मुझे एक्सेसरीज और ये सब कराने की पड़ी है 9,500। एंड जो इसका सीट कवर है जो मुझे 600 रुपीज़ में पड़ा है, ये भी मेरे को कंपनी से प्रोवाइड हुआ है, काफ़ी ईजिली क्लीन हो जाती है। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है। जो भी कुछ मैंने बाइक में लगाया है उससे बाइक डिसेंट भी लग रही है एंड अच्छी भी लग रही है। अगर आपको ये सब मॉडिफिकेशन करवाना है तो आप करवा सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो मन चाहे वो करिए। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि नया नया चैनल है, मैं किसी को बोलता हूँ मैं यूट्यूबर हूँ कोई सीरियसली नहीं लेता भाई। इमोशनल डैमेज। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए साथ में बने रहिए। अभी के लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।